राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के शिक्षण हेतु कार्यक्रम प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा का महत्व। अरे दीदी आ गई, दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, आप सबका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। अरे आप सब लोग तो चुपचाप आकर बैठ गए, अपना अपना परिचय नहीं देंगे क्या? पहले मैं परिचय देना शुरू करती हूँ। मेरा नाम मधु है। ना ना भाई, ऐसे तो कोई मजा नहीं आया, बात जमी नहीं। चलो अब हम सब एक खेल खेलते हैं। खेल? खेल खेल में ही आप लोग एक दूसरे को जान जाएंगे। दीदी ये हुई ना बात। अच्छा तो आप सब लोग गोल दायरे में खड़े हो जाइए। अच्छा। और दो बार ताली और दो बार चुटकी बजाइए। जी। चुटकी पर सबको अपना नाम लय में बताना है। जैसे मधु अपना नाम लय में इस प्रकार बोलेगी, मधु। सबको समझ में आ गया ना? हाँ, समझ गए दीदी। तो ठीक है, खेल मधु से शुरू करते हैं। मधु जुबेदार, मंजू पूजा। चलो अब आप सब लोग एक दूसरे को जान गए, क्यों मजा आया ना? दीदी बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा अब हम एक दूसरे का परिचय पाने के लिए इसी प्रकार का दूसरा खेल खेलते हैं। दीदी इस बार क्या करना होगा? भाई इस बार आप लोगों को अपने नाम से पहले जितने व्यक्ति हैं ना उनके नाम और अंत में अपना नाम क्रम से बोलना होगा। जी मैं शुरू करूं दीदी? मुझे क्या करना होगा दीदी? भाई घबराओ मत, तुम्हें अपने से पहले खड़े व्यक्तियों के नाम के बाद अपना नाम कहना है। तो शुरू करें खेल। जी हाँ। मधु, मधु जुबेदा, मधु जुबेदा मंजू, मधु जुबेदा मंजू पूजा। अरे भाई मेरा नंबर तो सबसे बाद में है, मैं इतने सारे नाम कैसे याद रखूं? समझ में आ गया ना? जी, जी। तो चलिए इसी बात पर जोरदार तालियां हो जाएं। तो आइए अब हम सब लोग बैठते हैं। दीदी ये तो एक अच्छा तरीका है एक दूसरे को जानने का। ये खेल मैं अपनी कक्षा के बच्चों को सिखाऊंगी। जरूर सिखाना, परंतु छोटे बच्चों को चार बच्चों के समूह में ये खेल खिलवाना, बड़े समूह में वो नहीं खेल पाएंगे। हाँ। अच्छा मधु जी, तुम्हारी कक्षा में बच्चे किस आयु वर्ग से हैं? दीदी यही कोई 3 से 5 वर्ष के लगभग आयु के होंगे। तो ये बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में है। दीदी ये प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है? भाई प्रारंभिक बाल्यावस्था में जन्म से 8 वर्ष यानी कि शैशव अवस्था, विद्यालय पूर्व और प्रारंभिक वर्ष आते हैं। जी। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में बनी उसमें भी जन्म से 6 वर्षों को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा गया है। आपको पता है ये वर्ष जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। अच्छा दीदी ऐसा क्यों? भाई विकास की दृष्टि से ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय विकास बहुत तेजी से होता है। अच्छा दीदी, पर हम तो समझते थे बच्चे खाते पीते यूं ही अपने आप बड़े हो जाते हैं, बड़े होने पर उन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। भाई आपकी ये धारणा तो सरासर गलत है। अगर इन वर्षों के दौरान बच्चे को अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तो ये संभव है कि उसके विकास पर बुरा प्रभाव पड़े। दीदी अभी आपने अनुकूल वातावरण जो शब्द प्रयोग किया
वो तो हमारे सर के ऊपर से ही निकल गया। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने पौधे देखे हैं ना? जी। तो बताइए, पौधे अच्छी तरह से बढ़ें इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दीदी, हम उन्हें पानी और खाद देते हैं। और जिन पौधों को धूप या छाया चाहिए उसी के अनुसार उनकी देखभाल करते हैं। तभी तो पौधा अच्छी तरह से बढ़ेगा दीदी। शाबाश, यही सब पौधों के लिए अनुकूल वातावरण है। उसी तरह बच्चों को भी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। अच्छा मंजू जी, तुम बताओ हम बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं? अच्छा खाना, रहन सहन और खिलौने आदि। ये तो ठीक है ही, परंतु इसके साथ ही हमें बच्चों को प्रेरक वातावरण में ऐसे अनुभव और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जी, जो उसके संपूर्ण विकास को बढ़ावा दें। अच्छा, वही बच्चे के लिए अनुकूल वातावरण है। परंतु दीदी, और कौन कौन सी सुविधाएं हैं? भाई, सुविधाएं हैं बच्चों को देखने के लिए तस्वीरों वाली किताबें व पत्रिकाएं दें, खेलने के लिए खिलौने दें, खाने को संतुलित आहार दें और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण, और हाँ, खेल के लिए उपयुक्त जगह भी होनी चाहिए। और दीदी, अनुभव कौन से दें? भाई, अनुभव हैं बच्चे को अच्छी भाषा सुनने व बोलने का ज्यादा अवसर दें, बच्चे को वातावरण का निरीक्षण करने का मौका दें, समस्या समाधान और प्रयोग के अवसर भी जरूर प्रदान करें। इस आयु में बच्चों में अच्छी आदतें डालना जरूरी है, यानी हाथ धोकर खाना खाना, साफ सुथरा रहना, अच्छा संतुलित भोजन खाना। उसी तरह उन्हें सोचने की या अपनी अन्य मानसिक कुशलताओं के इस्तेमाल करने की आदतें डालना भी जरूरी है। दीदी, हमने तो कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब तो देंगे ना? जी दीदी। देखिए, ये सब सुविधाएं और अनुभव तो मैंने बच्चों के लिए बताए हैं, परंतु इसके अलावा कुछ बातें गर्भावस्था के दौरान माताओं को भी ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे सुविधाएं और अनुभव मिलने पर उनके बच्चे अच्छी तरह से पल सकें। कौन सी बातें दीदी? देखो भाई, हमारे यहाँ गर्भवती माताएं अपनी देखभाल नहीं करती और जो मिले वही खा लेती हैं। जिन घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती वहाँ तो वो बिना खाए ही सो जाती हैं, जिसके कारण वो या तो अपंग या फिर कम वजन के बच्चों को जन्म देती हैं। दीदी, इसका मतलब है गर्भवती माताओं को अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें संतुलित आहार खाना चाहिए। मगर संतुलित आहार के लिए पैसा भी तो चाहिए दीदी। यहाँ ही तो आप लोगों की सोच मार खा जाती है। संतुलित आहार के लिए ज्यादा पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आप कम दाम की खाने की चीजें भी ले सकती हैं, जैसे मौसम वाली सब्जियां और फल, दाल, रोटी आदि। तभी तो स्वस्थ बच्चे जन्म लेंगे। दीदी, माताओं की गर्भावस्था के दौरान और बाद में बच्चों की देखभाल क्या बहुत जरूरी है? हाँ प्रिया, तुमने ठीक पूछा। आप लोगों को पता है हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बच्चों में अच्छे संस्कार पहले 5 या 6 वर्षों में ही पढ़ते हैं। दीदी, ये ज्ञानवर्धक बातें तो हम आपसे जान गए, परंतु और लोगों को इस बारे में जागरूक कैसे कराया जा सकता है? भाई, माँ बाप तो अक्सर इस पर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते। गरीब घरों के लोग तो इस तरह का वातावरण शायद दे भी ना पाए। प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा देकर ये कमी कुछ हद तक पूरी की जा सकती है। दीदी, क्या इससे कुछ लाभ भी होता है? बिल्कुल लाभ होता है। घर में अनुकूल वातावरण के अभाव में ये शिक्षा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी वातावरण प्रदान करने में हमेशा सहयोग देती है। वो कैसे दीदी? विकास के क्षेत्र हैं भाषा, शारीरिक और गत्यात्मक, संवेगात्मक, रचनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास। अच्छी प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा इन विकास के क्षेत्रों के लिए ही तो अनुभव प्रदान करती है। तब तो इसके बहुत फायदे हैं दीदी। सो तो हैं। फायदे तो छोटी अवधि और लंबी अवधि दोनों के हैं। दोनों तरह से? वो कैसे? जब बच्चे को हम मानसिक रूप से बिना तैयार किए स्कूल भेजते हैं तो बच्चा स्कूल के वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तभी इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं।
प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती है और इसी के साथ शुरू की कक्षाओं में बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर को कम करती है। ये छोटी अवधि का लाभ है। दीदी, ये तो समझ में आ गया, परंतु इसका लंबी अवधि का प्रभाव वो समझ में नहीं आया। भाई, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जी, शुरू के 6 वर्षों में हर प्रकार के विकास के लिए सही नींव डलती है। सही नींव पड़ेगी तो भावी जीवन अच्छा बीतेगा, सफल रहेगा। मधु जी, तुम कुछ पूछना चाहती हो? हाँ दीदी, मैं सोच रही थी कि हर बच्चे को अनुकूल वातावरण क्यों नहीं मिलता। भाई, इसके भी कुछ कारण हैं। वो क्या है दीदी? देखो, माता पिताओं में जागरूकता न होना, फिर आजकल तो माताएं भी काम करने लगी हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाती हैं। पहले घर के बड़े बूढ़े इस कमी को पूरा करते थे, परंतु संयुक्त परिवार का आजकल प्रचलन नहीं रहा। ये कुछ कारण है। अच्छा, अब मान लो आपको अपनी आंगनवाड़ी के आसपास की माताओं को ये बताना है कि बच्चों को एक अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए और बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना चाहिए, तो ये सब आप कैसे करेंगे? दीदी, अभिनय? हाँ, तो चलो एक अभिनय करने का खेल खेलते हैं। हाँ, दीदी। दीदी। अच्छा, पहले ये बताओ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन बनेगा? हम बनेंगे। अच्छा, तो फिर आप सब माताएं बनेंगी। ठीक है, मंजूर है ना? जी, मंजूर है। माताएं जिनके बच्चे 3 से 6 वर्ष तक के हैं आंगनवाड़ी में आई हैं, और उनकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी बहन जी के साथ मीटिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। मीटिंग का उद्देश्य है माताओं को प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा का महत्व बताना। अच्छा, आप लोग अपने अपने प्रश्न पूछेंगे और मंजू यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जवाब देंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सब तैयार? हाँ हाँ जी, तैयार तैयार। नमस्ते, नमस्ते दीदी। नमस्ते, नमस्ते। अरे गायत्री, तुम कहीं गई थी क्या? नजर ही नहीं आ रही थी कुछ दिनों से। बहन जी, मैं अपने मायके कुछ दिन के लिए गई थी। तभी मैं कहूँ राहुल क्यों नहीं आ रहा। रमा, तुम्हारी दीपा को चुप चुप रहती है आजकल, क्या बात है भाई? बहन जी, मैं क्या जानूं, घर के काम से फुर्सत मिले तो उस पर कुछ ध्यान दूं। नहीं रमा, बच्चों को अनुकूल वातावरण मिलना उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो उनके विकास पर बुरा असर पड़ेगा। है? ये अनुकूल वातावरण क्या हुआ, समझ में नहीं आया दीदी। तो अब समझ ले रमा, यहाँ खेती होती है ना? हाँ बहन जी। किस चीज की? धान की। हाँ, अच्छा, पहले तुम खेत में ट्रैक्टर चलाते हो, फिर धान बोते हो। जी दीदी। उसके बाद पानी देते हो, है ना? फिर जब धान के पौधे आ जाते हैं तो घास फूस साफ करते हो खेत में। हाँ बहन जी, और पौधे बड़े होने पर रखवाली भी करते हैं। हाँ, और पौधे में तब जाकर धान आता है। जी बहन जी, फिर उसमें कीड़े ना लगने की दवा भी छिड़कते हैं। ठीक है, और अगर हम कुछ भी ना करें तो क्या होगा? अरे, तब थोड़े ना फसल अच्छी होगी बहन जी। बिल्कुल ठीक। उसी तरह बच्चों को भी स्वच्छ वातावरण, अच्छा रहन सहन, संतुलित भोजन ही नहीं बल्कि सुविधाएं और अनुभवों की भी जरूरत होती है जो उनके विकास में सहायक होते हैं। कैसी सुविधाएं, कैसे अनुभव? बच्चों के संग समय बिताना बहुत जरूरी है। उन्हें कहानी सुनाओ, गीत सुनाओ, उनसे बातचीत करो। जी, बाजार से नहीं खरीद सकते तो घर में कुछ खिलौने बनाकर दे दो। वो प्रश्न करें तो उनके जवाब दो। गलती करें तो मारो पीटो नहीं बल्कि प्यार से समझाओ। अच्छा। यही सब अनुभव हैं जो उनके विकास को बढ़ावा देंगे। परंतु बहन जी, जी हर किसी बच्चे को तो अनुकूल वातावरण नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक, उसके भी कारण हैं। बहन जी, ऐसे क्या कारण है? पहला सीधा साधा कारण है माता पिता में इसके प्रति जागरूकता का न होना। बहन जी, हमें भी पता नहीं था।
हाँ, दूसरा आजकल माताएं भी काम करने लगी हैं, इसीलिए वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती जी। और संयुक्त परिवार के टूटने से घर के बड़े बूढ़े जो इस कमी को पूरा कर सकते थे अब पूरा नहीं कर पाते। बहन जी, अभी जाने के बाद हमें खाना बनाना है, हम चले? अरे भाई जाइए जाइए, मेरा तुम्हें भूखा रखने का कोई इरादा थोड़ी है। पर याद रखना आज जितनी बातें बताई हैं। हाँ, याद रखेंगे बहन जी। आप लोगों ने तो अपना अपना अभिनय बहुत अच्छी तरह निभाया। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। अच्छा भाई, अब मैं आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बताती हूँ जी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करती है। दीदी, और इन उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार से होती है? भाई, इन उद्देश्यों की पूर्ति खेल द्वारा शिक्षा देकर की जाती है। खेल द्वारा शिक्षा, इसका क्या मतलब है भला? भाई, इसका अर्थ है खेल के द्वारा बच्चे को उसके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा देना। अच्छा। छोटे बच्चे सुनने देखने से नहीं बल्कि खुद करके सीखते हैं। इसलिए खेल के द्वारा उन्हें खुद करके सीखने के सबसे अच्छे अवसर मिलते हैं। इसमें बच्चों की आवश्यकता, रुचि और विकास के स्तर के अनुसार मनोरंजक क्रियाओं की योजना बनाई जाती है और इन क्रियाओं को ऐसे क्रमबद्ध करना होता है जिससे वो विकास के हर क्षेत्र को बढ़ावा दे। पर दीदी, बच्चे तो घर पर भी हरदम खेलते हैं। हाँ, परंतु घर में जो खेल बच्चे खेलते हैं वो ज्यादातर मनोरंजक होते हैं। हाँ। परंतु आंगनवाड़ी में उन्हें शिक्षा प्रद खेल जो मनोरंजक भी हो वो खिलाए जाते हैं। दीदी, हमारी आंगनवाड़ी की माताएं तो हमसे कहती हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खेल तो वो घर में भी खेल लेते हैं, अब उन्हें कैसे समझाएं? भाई, उन्हें आप लोग प्रारंभिक बाल शिक्षा के बारे में बताते हुए समझाएं कि ये विकास के दृष्टिकोण से गलत है, क्योंकि बच्चों में अब तक इन कौशलों को सीखने के लिए आवश्यक तैयारी नहीं होती। लिखने के लिए हाथ आंख की सूक्ष्म मांसपेशियों का समन्वय जरूरी है। पढ़ने के लिए ध्वनि एवं आकार का भेद करना जरूरी है जी। और अंक गणित के लिए तर्क शक्ति, सोच और अन्य मानसिक कौशल जरूरी है। अच्छा। ये सब कौशल चूंकि पूरी तरह से विकसित नहीं होते इसलिए उन्हें पढ़ने लिखने की तैयारी कराई जाती है। दीदी, अब समझ में आया खेल द्वारा शिक्षा क्यों दी जाती है। अच्छा, तो एक बात करने को अगर मैं कहूँ तो मानेंगी आप लोग? क्यों नहीं दीदी, ऐसी कौन सी बात है? मुझे आप लोगों का अभिनय बहुत पसंद आया, क्या दोबारा नहीं करेंगी आप लोग? जुबैदा को बहन जी बना देते हैं, बाकी सब माताएं बनेंगी। मीटिंग का उद्देश्य माताओं की प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा के संबंध में शंकाओं को दूर करना है, जैसी शंका मधु ने बताई। ठीक है ना जी? तो सब तैयार? हाँ, जी तैयार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज तो गजब हो गया, आप सभी समय पर आ गए। अच्छी बात है ना? हाँ हाँ, बात तो अच्छी है, परंतु आज तो सब खाना बना कर ही आई हो ना? जी बहन जी। बहन जी, खाना तो बना लिया था परंतु राजू ने नहीं खाया। क्यों? बहन जी, राजू हरदम खेलता रहता है, मैं जब भी लिखाने पढ़ाने की कोशिश करती हूँ बिल्कुल नहीं बैठता। अरे अरे, ऐसा गजब मत करना, इस समय बच्चा खेल के द्वारा ही सीखता है, उसकी ये लिखने पढ़ने की आयु थोड़ी ही है, अभी उसके सोचने की शक्ति इतनी विकसित नहीं होती। अच्छा। वो केवल प्रत्यक्ष अनुभवों से ही सीख सकता है। अच्छा। मगर बहन जी, हम तो हरदम पढ़ने लिखने पर जोर देते हैं, वो इस तरह पढ़ना नहीं सीख सकता क्या? छोटे बच्चों को 5 वर्ष से पहले लिखाना पढ़ाना गलत बात है। अच्छा। क्योंकि लिखने के लिए अंगुलियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती और पढ़ने की पूर्व तैयारी के लिए आवाजों में भेद करने की समझ की जरूरत होती है। ये सब क्षमताएं 5-6 वर्ष तक ही बच्चों में उभरती हैं। और अगर हम जबरदस्ती सिखाएं तो? देखो मधु, पौधों को जबरदस्ती खींचने से तो वो बड़ा नहीं होता। हाँ।
हर चीज का अपना एक निर्धारित समय होता है। समय से पूर्व या बाद में काम के करवाने के अपने ही दुष्प्रभाव होते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ जबरदस्ती करने से बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ेगा। हाय राम, अब तो मैं कभी भी पढ़ने लिखने के लिए जबरदस्ती नहीं करूँगी। शाबाश। अच्छा, आप लोगों ने मुझे आंगनवाड़ी में क्रियाएं करवाते हुए देखा है। जी। कुछ क्रियाएं बता सकती हैं आप? हाँ, जैसे कहानी सुनाना, गाना, गुड़ियों का खेल और हाँ, और कठपुतली, फूल भुलैया और चित्र बनाना। दीदी, बाहर भी तो खेल करवाती हैं आप। बिल्कुल सही, आप लोग भी घर में ऐसी क्रियाएं बच्चों से करवाइए। मेरे पास तो आपका बच्चा केवल 2 घंटे रहता है, बाकी 22 घंटे तो आपके पास है। आप ही क्रियाएं करवाएंगे तो बच्चों को बहुत लाभ होगा। आज तो समय पूरा हो गया, मुझे अब गांव के दौरे पर जाना है। नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। अरे वाह, इस बार भी आप लोगों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत मजा आया। दीदी, आपने कहा था आप बताएंगी कि प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा के इस क्षेत्र में सरकार का क्या योगदान है। अरे हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस शिक्षा के साथ देखभाल को भी जोड़ दिया है। देखभाल में स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार शामिल है। इसके साथ ही खेल पद्धति द्वारा शिक्षा पर बल दिया है राम मूर्ति कमेटी ने। दीदी, ये राम मूर्ति क्या है? भाई, राम मूर्ति कमेटी 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरावलोकन के लिए बनाई गई थी। पुनरावलोकन के बाद उन्होंने कुछ सुझाव दिए क्या? हाँ, इनके सुझाव बहुत अच्छे थे। इन्होंने 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और विद्यालय पूर्व तथा प्राइमरी शिक्षा के परस्पर संबंध पर बल दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की देखभाल सेवाएं प्रदान करने पर भी बल दिया है। दीदी, और जो बच्चे किसी भी विद्यालय पूर्व संस्था में नहीं जाते तो उनके लिए क्या उपाय है? ऐसा भी होता है, इसलिए जिन माता पिता के 6 वर्ष तक के बच्चे हों उन्हें कुछ प्रयोगों और उत्प्रेरक तकनीकों द्वारा स्वयं ही सक्षम बना दिया जाता है। अच्छा। और वो अपने बच्चों के खुद ही शिक्षक बन जाते हैं। दीदी, क्या ऐसा कोई और उपाय भी है? हाँ, याद आया, विद्यालय तत्परता कार्यक्रम है, जिसमें जिन बच्चों का विद्यालय पूर्व शिक्षा का कोई अनुभव नहीं होता उन्हें स्कूल में जाने से पूर्व या पहली कक्षा की शुरुआत में पहली कक्षा के लिए तैयार किया जाता है। अच्छा। खेल विधि द्वारा ये 6 सप्ताह का एक मनोरंजक कार्यक्रम होता है। अच्छा। जिसके द्वारा बच्चे पढ़ने लिखने स्कूल आने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीदी, इसका तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा, अब तुम सब बताओ कि हमारे देश में कौन कौन से बाल शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं। दीदी, हम लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग किसके अंतर्गत आते हैं? हम तो आंगनवाड़ी में आते हैं दीदी। समेकित बाल विकास परियोजना यानी ICDS के अंतर्गत आपकी आंगनवाड़ियाँ चलती हैं। हाँ दीदी, ये भी बाल शिक्षा का कार्यक्रम है। इसके अलावा बालवाड़ी, डे केयर सेंटर आदि आते हैं। दीदी, नर्सरी स्कूल भी तो अब गांव-गांव में खुल रहे हैं। हाँ, जिनकी सामर्थ्य है वो बच्चों को वहाँ भेजते हैं, पर वो अक्सर खेल द्वारा शिक्षा न देकर पढ़ने लिखने पर ही जोर देते हैं, जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर अपनी घड़ी देखो, समय खाने का हो गया है। आप लोगों को बहुत भूख लगी होगी। दीदी, खाने का तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल, हमने तो ऐसे ही अपनी ट्रेनिंग क्लास के समय की प्लानिंग की है। अरे अरे हाँ, याद आया, कल आपकी प्रोग्राम प्लानिंग की क्लास है, समय से आना। जी, तो चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रारंभिक बाल्यकाल की शिक्षा का महत्व। आलेख शोभा लक्ष्मी साहू, विषय संयोजन कांता सेठ, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मीरा चौधरी,
परियोजना संचालन प्रोफेसर विनीता कौल, कलाकार सविता बजाज, मंजू मैनी, सुनीति कोहली, गीता वर्मा एवं सुषमा कौशिक, ध्वनिंकन दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, ध्वनि कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर तथा निर्माण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT नई दिल्ली।